हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मजेदार टेक। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के कैसे कमाल के ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक को यूज़ करने के बाद आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के इंटरनेट के स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अभी क्या होता है, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के सीजन में सभी लोग गाँव चले जा रहे हैं और गाँव में पता ही है आपको कि इंटरनेट की स्पीड बहुत ही कम मिलती है। तो ऐसे समय पर हम गेम वगैरह खेलते हैं, पिंग बहुत जल्दी हाई हो जाती है और या बहुत जल्दी लो हो जाती है, ऐसा भी होने लगता है। बहुत ही कम पिंग देने लगता है गेम खेलते समय और यहाँ पे बहुत ही स्लो इंटरनेट चलने लगता है। लेकिन जो आज मैं ट्रिक बताने वाला हूँ ना, आज उस ट्रिक को अगर आप यूज़ कर लेते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में तो इस प्रॉब्लम से दूर हो सकते हो। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को मतलब अपने इंटरनेट को कहीं पर भी यूज़ करो, शहर में रहो, गाँव में रहो, कहीं पर भी रहो, आपके हिसाब से आपके एंड्रॉयड फ़ोन से स्पीड बहुत ही अच्छी स्पीड मिलने वाली है। यहाँ पर आप इस वीडियो को अगर देख ले तो ना, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, इंटरनेट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा काम कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर देना है और यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन करके दबा देना है ताकि जब मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और इस वीडियो को ना एक लाइक कर देना, लाइक करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जो भी आपको अच्छा लगे। आप अपने मन से कमेंट कर सकते हो, मेरे बोलने पे कमेंट मत करना। नाइस ट्रिक, नाइस एप्लीकेशन, नाइस सेटिंग, या अपना नेम भी कमेंट कर सकते हो, आप कहाँ से हो वो भी कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नाइस ट्रिक यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे नाइस ट्रिक फिर सेंड कर देना है। बस इतना सा करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को एक छोटी सी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फोन में, जिसका मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, इसे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे नेट ऑप्टिमाइजर यहाँ पे देख सकते हो। तो फिर करना क्या है, यहाँ पे इसे परमिशन दे देना है। परमिशन देने के बाद यहाँ पे क्या करना है, गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे गेट स्टार्ट पे क्लिक करते तो यहाँ पे इसे फटाफट परमिशन दे देते हम। परमिशन देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या अनेबल का ऑप्शन दिखता है, तो यहाँ पे क्या करना है, अनेबल पे क्लिक करना है। जैसे आप अनेबल पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। तो इसके बाद आपको करना है क्या, यहाँ पे देख सकते हो एक्टिवेट का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके पहले यहाँ से आपको जो थ्री डॉट दिख रहा है ना, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है और सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो ऑटो ऑप्टोमाइज है ना, इसको ऊपर ओके पे क्लिक कर देना है, यानी कि अगर ये ऑफ रहेगा ना तो इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो एक्टिवेट का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्कैनिंग डीएनएस सर्वर यहाँ पे देख सकते हो, तो आपका जो सर्वर है उसे स्कैन कर रहा है कि किस प्रकार का यहाँ पे आपको सर्वर कनेक्ट करवा देगा, जाके आपके मतलब जो भी यहाँ पे एक सर्वर कनेक्ट करेगा उसके मदद से क्या होगा, आपका इंटरनेट बहुत ही अच्छी स्पीड देगा। कनेक्शन रिक्वेस्ट ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेट ऑप्टिमाइज़र यहाँ पे कनेक्ट होने लगा है। फिर यहाँ पे देख सकते हो कनेक्टिंग हो रहा है, कनेक्टेड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको कनेक्टेड हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे जैसे कनेक्ट होएगा ना, तो यहाँ पे जो आप यूज़ करते हो ना इंटरनेट, एक बार इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद यूज़ करना, कनेक्ट करने के बाद यूज़ करना। यह एक प्रकार का बता दूँ तो VPN है, जो कि आपके DNS सर्वर को यहाँ पे क्या करता है, सर्च करता है, सर्च करने के बाद अच्छी स्पीड देने की कोशिश करता है। इसे यहाँ पे ग्लोबल वर्जन में भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अलाउ करके परमिशन दे देना है। फिर यहाँ से आप देख सकते हो, और इसे प्ले स्टोर पर अच्छी खासी रेटिंग भी दी गई है, आप वहाँ पर कमेंट वगैरह जाके इसके पढ़ सकते हो और रेटिंग भी देख सकते हो प्ले स्टोर पे। यह प्ले स्टोर पे मिल रही है, कोई फेक एप्लीकेशन नहीं है। आप एक बार इस एप्लीकेशन को यूज करना, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कैसी लगी आप लोगों को एप्लीकेशन, कि आपकी भी मोबाइल के इंटरनेट की स्पीड बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एप्लीकेशन और नए ट्रिक के साथ।